हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। रमजान चांद कॉन्ट्रोवर्सी गहराई जा रही है। हमारे साथ है मजलिस शहरिया मुंबई की तरफ से चितन मियां है। इन्होंने चांद रात का ऐलान कर दिया था एक दिन पहले। कौन सा दिन था वो? 16 तारीख की शाम में हमने ऐलान किया था कि चतुर्दुर्गा कर्नाटक में चांद हो गया है और उसका शरी सबूत हमें हासिल हुआ है। इस्तेफाद खबर जो चांद के सबूत में एक सबूत शरी कहलाता है उसके तहत हमने ऐलान किया था। हम आपको बता दें सुन्नी रियातुल कमेटी जो है मदनपुरा और जामा मस्जिद दोनों ने चांद का ऐलान नहीं किया था। सिर्फ यही एक वाहिद कमेटी थी जिन्होंने चांद का ऐलान मुंबई में किया था। आगे बात करते हैं चांद का ऐलान करने के बाद क्या हुआ? चांद का ऐलान करने के बाद हमें तरह तरह के मैसेज आने लगे कि किस तरीके से आपने चांद साबित किया है। तो हमने उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने लिख के भेजा जो हमारे पास मौजूद है। किसका फ़ोन आया? हमारे पास कई कुछ यहाँ के कुछ गैर उलमा का फ़ोन आया था। अब उनका मुझे नाम तो याद नहीं, अक्सर लोग आजकल फ़ोन करते हैं तो बेनामी फ़ोन करते हैं या नाम बदल के फ़ोन करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो यहाँ की मरकज़ी रूहत इलाज कमेटी है उसके एक ज़िम्मेदार साहब हैं और उनसे मैंने फ़ोन पे बात करी। कभी उसी रात में तकरीबन 11:56 पे मैंने बात, यानी आपने चांद का डिक्लेयर जो है जी कर्नाटक के चित्रदुर्ग के वहाँ पे की शहादत पे आप लोगों ने? जी हाँ, चित्रदुर्ग की खबर इश्तबा यहाँ पे, यानी वहाँ पे आम तौर पर ये बात मशहूर हो गई थी कि चांद 16 तारीख को हो गया है बुध के दिन। मुंबई में आपने कहीं, आपके लोगों ने आपने कहीं चांद देखा है? मुंबई में हमारे लोगों ने चांद कहीं नहीं देखा। अब बात करते हैं इनसे जो तारुफ कराएंगे चित्रदुर्ग भेजा था। ये हमारे मुफ्ती शफीक हनफी साहब हैं और जनाब सैयद शफी हैदर साहब। इन दोनों को जब ये मामला ऐसा मेरे सामने आया कि इस्तेफादे खबर जो है, यानी कुछ लोगों ने कहा कि हम कबूल नहीं करते, तो हमने कहा ठीक है, हमारी मजलिस शरई जो है तमाम सोसाइटी के वर्गों को जो है केटर करती है और तो हमने उन्हीं के लिए ताकि उनको शरई आसानी हो जाए हमने इन दोनों को वहाँ में भेजा चतुर्दुर्ग ताकि ये लोग शरई शहादत वहाँ से हासिल करके ले आए। इसका मतलब है कि ये वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने शहादत लिखी है। ये यहाँ से जी बोलिए, आपका नाम? मोहम्मद शफीक हनफी नाम है मेरा और मैं मजलिस शरई का एक रुकन हूँ और यहाँ से मुझे भेजा गया था सीओ सिक्तन साहब कबला के हुकुम पर कि वहाँ से शरई शहादत रमज़ान के हिलाल के बारे में लिख दी जाए ताकि जो मसाइल चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। आपको वहाँ पर पूरी शहादत मिली? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो उलमाए किराम थे, मसाजिद के अइम्मा थे जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उन लोगों से भी मुलाकात की कराई जिन्होंने चांद देखा और साथ में उन अइम्मा ने भी हमें बताया, हमने उनका वीडियो तक भी रिकॉर्ड किया है। मिला हमें वीडियो मिला हुआ जी, और उसके अलावा उनसे गवाही भी ली हमने और जो एक्चुअल जो जिन्होंने चांद देखा था उनसे भी आपकी बात? हाँ बिल्कुल, उनको सामने जिनको बिठाया गया है वीडियो में वो सब वही लोग हैं जिन्होंने अपनी माथे की आँख से चांद देखा है और बाकायदा हलफ लेके कि हम अल्लाह की कसम खाकर ये कहते हैं, अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर के हमने अपने माथे की आंखों से 16 मई बरोज़े बुध को रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी का चांद देखा है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आके आपने यहाँ पर भी शहादत दी? हाँ, यहाँ आने के बाद मैंने हमारे जो सदर मोहतरम हैं और सरप्रस्त हैं मजलिस शरई के उनके पास आकर के मैंने ये शहादत उनके बारगाह में पेश कर दी। आपने यहाँ पर आके शहादत दी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शहादत अल शहादत, यानी गवाही पर गवाही। अच्छा जी, तो यानी एक रोज़ा जो है एक दिन पहले जो है चांद वहाँ पर दिख गया जहाँ बॉम्बे के हिसाब से। जी हाँ, क्योंकि हमारा और कर्नाटका का मतला एक है जहाँ से चांद निकलता है, इसलिए उनका चांद जो है दिल्ली वगैरह का सवाल है नहीं कर्नाटका तक, क्योंकि लोग केरला की बात कर रहे हैं, इसको मिक्सअप कर रहे हैं कि केरला वालों का मतला अलग है। मैं कर्नाटका इसलिए बता रहा हूँ कि उनका हमारा मतलब एक ही है, इसलिए उनका चांद हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल है और हमने उनकी गवाही ले ली है और इस पर एक रोज़ा कज़ा करना जो है वो जिस तक ये खबर पहुँचेगी उस पर वाजिब होगा। बात करते हैं यहाँ पर सप्तम मियाँ से, सही सप्तम मियाँ, आपने ये जो है कहते हैं क्या कहते हैं सर, शहादत अल शहादत, हाँ शहादत अल आपने इन्होंने आपको दी, अब क्या? शहादत अल शहादत का मसला ये है कि ये शहादत जिन जिन तक पहुँचेगी
और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी गली न्यूज़ के ज़रिए ये अक्सर मुसलमानों तक पहुँच जाए, ताकि हमारा वाहिद मकसद ये है कि मुसलमानों को चूँकि रोज़े फ़र्ज होते हैं, इसलिए एक भी रोज़ा ज़ाया ना हो और इस महीने का सवाब हाथ से ना जाए। ख़ता इंसान से होती है, ठीक है, कुछ लोगों को अगर नहीं हासिल कर पाए। हमारा काम एक मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम लीडर होने के नाते यही था कि हम जो है कोशिश करके ग्राउंड लेवल पर आकर अपने लोगों के लिए रमज़ान का ज़ाया ना होना जो है उसके हम लोग आपने यहाँ पर कमेटी में बात की, दोनों कमेटी से जो यहाँ पर जो यहाँ के जो जामा मस्जिद कमेटी है उनसे तो मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे जिन साहब का नाम फरीदुज़्ज़मा कादरी साहब मौलाना हैं खतरी मस्जिद के, उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा भी था, फ़ोन पे मेरे पास क्लिप भी मौजूद है उनके, मैंने उनसे कहा कि आप तक मेरी बात पहुँची, तो उन्होंने जो है उस बात को उस वक्त में कुछ मुस्तरद कर दिया, तो इसकी वजह से हमने उनको खबर तो पहुँचा दी, उनकी जो हमारी जिम्मेदारी थी एक्सेप्ट करना उनके ऊपर था, तो वो लोग गालिबा दूसरा मौका सकते होंगे इस सिलसिले में, खैर उनका मौका उनके साथ है, मगर हमको जो पहुंचाना था खबर हमने पहुंचा दिया। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके लोग हैं, वो उनके पूरे होने वाले हैं? जी हमारे जो फॉलोअर्स हैं इस वक्त हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और बैरून मुल्क भी काफ़ी हैं, और सभी जानते हैं बाकायदा जो रोहतेदार मरकजी रोहतेदार कमेटी है वो भी मेरे दादा की कायम करी हुई है शेख शाह मुस्तफ़ा साहब की, और उसके अंदर भी जो अरकान हैं वो भी सब मेरे सिलसिले से मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने जो है जब हमने जो शरई सबूत हासिल किया है पिछले 17 साल से हम यही काम कर रहे हैं कि मुस्तकिल हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे उतर के, हमारे यहाँ ये है कि हम लोग कमरे में बंद नहीं होते, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उतर के बाकायदा शहादत अगर लानी हुई गई हम जाकर ले आते हैं। इतने साल से आपकी कमेटी कहाँ पर थी? ये चांद के मसले में ही आपकी कमेटी पिछले 2-3 साल से आई है, जब आपने इनकी मुखालिफत चालू की? जी जी असल में जो सवाल है आप सही लोगों का सवाल है, नहीं आप सही कह रहे हैं, उसको क्लियर करके बताइए। हुआ ये कि आज से 2-3 साल पहले हुआ ये था कि एक साहब ने अफ्रीका में चांद देखा और फिर उन्होंने यहाँ पे आके, यहाँ पे एक मौलाना है मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर साहब नाम है उनका, तो उनको आके ये गवाही दी और उन्होंने उस गवाही को मौखर कर दिया, यानी कई दिन उस गवाही को लेके उन्होंने जो है डिक्लेयर नहीं किया, और फिर आखिर में जब रमज़ान हुए तो उन्होंने कहा लोगों पे अचानक कि मेरे पास गवाही जो है 11 रमज़ान को आ गई थी। उस सिलसिले में हम वहाँ पे मैं भी मौजूद था, मतलब बोले कहते हैं मैं हमेशा रहता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जब मौजूद था वहाँ पे एक अजीब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोगों में इंतशार हो गया कि आपको क्या हक पहुँचता है कि आप जो है वो गवाही को रोक के रखें या बांध के रखें। उसके बाद जो है ना हमने उन्होंने खड़े हुए ऐलान किया रोज़ा कदा करने का, उस साल उन्होंने कहा था, तो ये साल पुरानी बात है, ये तकरीबन 4 साल मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, सही बात, 4 सालों में मैं मौजूद था वहाँ पे और बड़ा इंतशार हुआ था वहाँ पे, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ गई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे बाकायदा कई लोगों को, तो मैंने वहाँ जो आवाम के अंदर आए थे मैंने बाकायदा उनको पकड़ के बाहर निकाला था कि भाई यहाँ पे उलमा का मामला है और यहाँ पे माहौल ना खराब। एक और आरोप आप पे लगता है कि आप अपनी कमेटी को आगे करने के लिए चांद के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल करते हो, क्योंकि पिछले साल भी हम आपको बता दें आपके कहने पे 2 बड़ी मस्जिदें ने यहाँ पर ऐलान चालू कर दिया था, आपको शायद पता होगा पहले ही ऐलान कर दिया था, इसमें डोगरी की एक मस्जिद थी और एक मेरा ये तो मैं देखिए मैं कोई मैं सिर्फ एक आलिम दीन हूँ और एक दस्तारबंद अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हूँ और एक खानकाह को बिलोंग करता हूँ। अगर पॉलिटिकल माइलेज या फेम के लिए अगर इल्ज़ाम कोई लगा रहा है मेरे ऊपर तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत फेमस हूँ और ऑलरेडी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला काफ़ी दूर तक पहुँचा हुआ है। ये सिर्फ मेरी जो मैं नियत है और अल्लाह नियतों को जानता है, उसको तो किसी को खोल के दिखाया नहीं जाता है दिल को, मेरी नियत सिर्फ यही है कि मुसलमानों के लिए उनकी शरीयत आसान हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस्लाम से जुड़ जाएँ। एक और सवाल है कि पूना के लोगों ने अगर उस दिन चांद डिक्लेयर किया जी तो मुंबई में क्यों? पूना के लोगों ने जो डिक्लेयर किया था अगेन वही मामला हुआ कि मुझे जो बावसूख ज़राए से मेरे जो ज़राए हैं वहाँ सोर्सेस हैं जो सोर्सेज हैं मेरे उनसे जो मुझे हासिल हुई न्यूज़ वो ये थी कि उनमें से भी अक्सर ने इस्तेफादे खबर के ऊपर जो है वो ये किया था, उनका लेटर तो आया था आपने देखिए? हाँ लेटर में क्या लिखा था? उसके ऊपर ये लिखा था कि हमने हमारे पास जो है खबर पहुँची है
के चांद जो है वो हो गया है, तो इसकी वजह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मैंने जब तहकीक की तो मेरे पास ये लोगों ने कहा कि हजरत वहाँ पे आया, वहाँ पे किसी को भेज दीजिए। तो मैं जब तहकीक की तो पता चला कि वहाँ पे भी इस्तीफादे के जरिए आया, वहाँ पे डायरेक्ट चांद किसने नहीं था। हाँ, इस्तीफादे के जरिए आया था वहाँ पे, जब भी तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्सी यानी वहाँ का उसको लेके हुआ, वहाँ पर जो चित्रदुर्ग है वहाँ का लेके। हाँ, तो उनका इसी वजह से जो है ना, हमने इसी वजह से कहा कि चलो ठीक है, इस्तीफादे को हम लोग एक अभी हल्के हल्के लोग मानना शुरू कर रहे हैं इस बात को, और समझना शुरू कर रहे हैं कि मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो जराए हैं वो भी हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम जो है उस जगह से हम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे चांद के बारे में, जहाँ से लोगों ने बाकायदा अपनी माथे की आंखों से देखा है। इसी वजह से इन दोनों हजरात को जो है मुझे भेजना पड़ा, कर आप समझ लीजिए आनंद फानंद भेजना पड़ा, और तकरीबन 782 किलोमीटर का ये लोग सफर तय करके यहाँ से वापस गए, और इतने किलोमीटर तय करके वहाँ से। हमने अक्सर सुना है कि आप प्लेटोनियम जाते हो चांद के सिलसिले में, अलग अलग जगह जाते हो, साइंटिफिक चीजें देखते हैं, क्या इस्लामी जायज है? इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज है। इस बार भी आपने कुछ एंगल एटीट्यूड सब निकाले आपने। जी जी जी, इस्लाम के अंदर असल में एक मुस्तकिल ही ऐसा है कि इस्लाम, आप कहें कि नॉन साइंटिफिक रिलीजन है तो ये गलत बात है। इस्लाम में चाहे हम जाने या ना जाने, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत जरूर छुपी हुई है। चांद का जो मसला है उसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि ये बात है ना मुतहक्कत है और ये बात प्रूवन फैक्ट है कि सनसेट और मूनसेट के बीच में जब 50 मिनट से ज़्यादा का फासला होगा तो उस दिन चांद होना 99.99% पॉसिबल है। इस बार क्या था? इस बार जो फासला था वो 1 घंटे का फासला था, 7:06 पर सनसेट था और 8:06 पर जो है वो मूनसेट था, तो 1 घंटे का फासला था, मुतहक्कक था कि चांद हो जाए। और ये वजह है कि चांद जो है अगर जब बम्बई में नहीं दिखा, मगर क्योंकि यहाँ पे फॉग वगैरह सब स्मॉग रहता है, तो दूसरी जगहों पे जहाँ क्लियर मामला था वहाँ पे चांद देख लिया, 1.8% उस दिन विजिबिलिटी थी। तो वहाँ दिखा ना, यहाँ पर कहीं बम्बई में नहीं, बम्बई वगैरह कहीं नहीं दिखा, बम्बई में नहीं दिखा, बम्बई मैं बम्बई के बारे में बात कर सकता हूँ, बम्बई में नहीं दिखा। अच्छा एक बात और बताइए, अगर शहर क्या कहता है इस वक्त पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, आपने शहादत मंगाई, शहादत पे आपने शहादत ली जी, इस वक्त कुछ लोगों ने आपको फॉलो किया, कुछ ने केरला को फॉलो किया या सॉरी कर्नाटक को फॉलो किया, इस वक्त इसी पोजीशन में शहर क्या कहते हैं? शरीयत जो है, शरीयत के अंदर ये जो तरीका है शहादत का, तो जाहिर सी बात है वो तरीका यही है कि 5 रुकनों में से एक रुकन जो है वो रमजान के रोज़े हैं, जो फ़र्ज हैं अकल बाकल बालिग मुसलमान पर, जो मरीज़ ना हो और मुसाफिर ना हो। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसा एक रोज़ा भी अगर मिस हो जाए किसी का, तो एक हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुखलिस होता है, उसका खैरख्वाह होता है, तो ये खैरख्वाही का तकाजा नहीं है कि हम जानबूझकर अपने भाई को जो है वो उसका रोज़ा कदा होने दें। अगर हमको मालूम हो गया है कि भाई रोज़ा कदा हुआ है तो हम पे ये वाजिब है कि हम अपने भाई को खैर खाई के तहत उसको बता दें कि भाई रोज़ा आपका कदा हुआ है, आप उसको वो उसकी अदा करें ना करें उसके ऊपर। अच्छा आज एक वायरल मैसेज हुआ है, फेक मैसेज हुआ था जी, वो मैसेज क्या आप लोग के किसी के ग्रुप का है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हाँ अल्लाह गवाह है इस बात पर कि हमको ना ऐसे मैसेज डालने की ज़रूरत है और ना हम कभी भी इस किस्म के किसी मामला में या हमारे कोई भी साथी इस चीज़ों में मुलव्वस है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जितना मौक़िफ़ है वो पूरा इखलास के ऊपर। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि एक रोज़ा जो है क्या ये हुआ है या नहीं हुआ या छूट गया है, ये दूसरा आलम भी बहुत है, हम चाहते हैं कि आप जो है इस मसले को कौम के दूसरे इमाम जो है जो मुफ्ती साहब है उनसे बैठ के इस मसले का हल निकालिए, फिर क्या और नहीं पैदा हो इसका का भी ध्यान रखें। हमारी तरफ से आपसे अपील है कि इस बात का ध्यान रखें, एक नाजुक मौका है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है, एक इसको बहुत ही अच्छा ताकि फिर के पैदा ना हो इस बात। जी आप सही फरमा रहे और इस बात पे मैं आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास बता दूँ शेख साहब के मैं वाहिद वो पर्सनैलिटी इस वक्त अहले सुन्नत के अंदर हूँ जो फ़िरक़ेवाद के खिलाफ मैं बाकायदा जिसे कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ फ़िरक़ेवाद के खिलाफ, और तमाम फ़िरक़ेवाद ख़त्म हो और ख़त्म हो के सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जमा हो जाए, इस बात के लिए मैं बाकायदा एक जिसे कहते हैं कलमी जिहाद कर रहा हूँ। मैं कलम से और अपनी जो तकरीरें मुझे होती हैं उसके ज़रिए लोगों को इसकी तरफ दावत दे रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ख़त्म करें। ये आप जो कह रहे हैं कि एक रोज़ा छूट गया है जी, ये आप बता रहे हो लोगों को कि लोगों को थोप रहे हो?
बुरा मत लगाना सर, हाँ, यूज करना पड़ रहा है क्योंकि क्या लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि थॉट प्राइम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि आप अपनी चीज मनवाना चाह रहे हो कि लोगों को खाली इतला करना चाहिए। मैंने आपसे वही कहा आपसे कि ये मौकफ जो है वो मौकफ ऐसा है कि मेरा और ये मजलिस शरई का काम, चूंकि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, मजलिस शरई वो उलमा जो है उन्होंने बनाई हुई, उलमा इसके पैनल में दाखिल है, तो उलमा का काम क्या है कि अच्छी बातों की तरफ रगबत दिलाना और बुरी बातों से रोकना। अब यहाँ पर अगर रोज़ा कदा हो जाए तो ये बुरी बात है, तो उसके लिए लोगों को बता देना कि भाई आपका रोज़ा कदा हो गया है और आप इसकी अदा कर लीजिएगा। ये जो है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जो कुरान का हुक्म है अल्लाह का, उसके तहत उनको बताया गया। अब उसको माने या ना माने ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं लोग नहीं मानते शरीयत के अंदर, अब उसमें थोड़ी होता है कि डंडा मारते हुए मुसलमान बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा मौकफ यही है कि जो लोग जो है इस बात ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है जी, कुरान का हवाला दिया है, शेरे का हवाला दिया है, ऐसा क्या आप दे रहे हो मुफ्ती या मौलाना या इस्लामिक स्कॉलर, आप एज अ स्टेटस आप क्या हो के बोल रहे हो? एज इस्लामिक स्कॉलर हूँ मैं, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ और आलिम दीन भी हूँ, अलजामे दुरुश। आप फतवा इशू कर सकते हो? हाँ, अलजामे दुरुश से मैं फारिग हूँ, मदरसा से आलिम दीन हूँ, वहाँ से मिसबाही हूँ मैं, और अदर शरीफ कायरो से मैंने अरबिक के अंदर डिग्री ले ली है। तो इसमें बाकायदा एज अ रिलीजियस अथॉरिटी जो है मैं ये शरण ये हुक्म बयान कर रहा हूँ कि जिन लोगों को जिन लोगों के पास ये शहादत पहुँच जाएगी उनके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो रोज़ा रखें। अब वो रखते नहीं रखते ये उनका लुकआउट है, मगर उनके हुक्म यही है कि वाजिब है। इसको गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।